टेक्निकल एजुकेशन हब चैनल में आपका स्वागत है। टेक्निकल एजुकेशन हब चैनल को आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। आज का प्रश्न है, कंप्यूटर की खोज किसने की है? वर्तमान में कंप्यूटर का प्रयोग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज हर क्षेत्र में जो है कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन इस कंप्यूटर को सबसे पहले किसने आविष्कार किया, ये आज जानेंगे। आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज। ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया है। कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का आविष्कारक, कंप्यूटर का पितामह, कंप्यूटर का जनक, इन सभी नाम से जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफ्रेस इंजन बनाया था, जबकि 1842 में एनालिटिकल इंजन बनाया था। इन्हीं के आधार पर ही जो है आधुनिक कंप्यूटर का विकास हुआ है। आधुनिक क्षेत्र में जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में चार्ल्स बेबेज के योगदान के लिए उसे कंप्यूटर का पितामह या कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहते हैं। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, ताकि आगे जो भी और जानकारी अपडेट हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।